सो एवरीवन वेलकम बैक, मैं अनदर व्लॉग हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सो गाइज, ये व्लॉग बनाने का बस एक रीज़न है कि गाइज मतलब मैं अपनी मम्मी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ लाया हूँ। मतलब ज़्यादा बड़ा कोई सरप्राइज़ नहीं है, पर वो है ना कि भाई अगर कोई किसी से कोई उम्मीद ही ना करे और अचानक से उसको ला के दे दे, सिर्फ मुँह से निकाला और ला के दे दिया, तो उस टाइम के जो चेहरे के जो होते हैं मतलब रिएक्शन उनका क्या रहेगा। तो गाइज बस कुछ यही सीन मेरे साथ हुआ है, मतलब मम्मी ने कभी बोला था और मैंने आज उनको ला के दे रहा हूँ। तो गाइज देखते हैं मतलब मम्मी के क्या रिएक्शन रहने वाले हैं। कोई ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, पर भाई मम्मी के कोई रिएक्शन भी अच्छे कोई खास नहीं होंगे, पर फिर भी देख लेते हैं। गाइज लाया हूँ तो देख लेते हैं क्या रिएक्शन रहता है मम्मी का। बड़ी लगी है बड़ी तेज़ी से भूख, तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर आपको। तो गाइज एक मम्मी ने यहाँ पर खाना लगा दिया है और खाने में आज मम्मी ने बनाई है कढ़ी, और भाई ये कुछ बादाम और ये मक्खन, और ये रखा है हमारा नमक, यानी कढ़ी रोटी बनाई हुई है, तो पहले खा लेते हैं। सो फैमिली अभी खाना वाना हो गया है और भाई अब चलते हैं हम रुड़की, क्योंकि आज मेरे को एक इंडक्शन लाना है जो कि मम्मी को गिफ्ट करना है। तो फैमिली दो दिन हो गए भाई मैं घर पे ही हूँ, दो दिन हो गए रुड़की जाना भी नहीं हुआ, तो इस बहाने सिर्फ घूमना भी हो जाएगा। और गाइस फीवर का बड़ी तेज़ हो रखा है, पर फिर भी थोड़ा घूमने का मन कर रहा है, तो गाइस अभी चलते हैं रुड़की। तो गाइस मम्मी के लिए लाया हूँ मैं एक न्यू इंडक्शन। सो गाइस हमने दे दिया है मम्मी के हाथ में इंडक्शन, अब मम्मी खुद करेगी अपने हाथ से इसकी अनबॉक्सिंग। इसे यहाँ से खोल, यहाँ से अब इसे खोल। गत्तो मन था, गत्तो मन था मम्मी। सो गाइज जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया, आप लोग भी अपनी मम्मी को अच्छे अच्छे गिफ्ट किया करें। और अभी का व्लॉग यहीं तक था, अब दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय श्री राम। ठीक है, बढ़िया लगा है। हाँ। नवा इंडक्शन मिला, हंस तो जा थोड़ा। हाँ सरी। खुशी नहीं हुई क्या? हुई। अच्छा चल फिर आज की चाय भी बना दे। अच्छा अच्छा हाँ बना दूँगी, जो बना दो इस पर चाय बना दो।